सर हमको सुना जा सर। पिछले दिनों बिहार के नालंदा निवासी सोनू की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चंद सेकंड हुई बातचीत ने खूब सुर्खियां बटोरी। बीते शनिवार को अपनी पत्नी मंजू सिन्हा की 15वीं पुण्यतिथि पर नीतीश कुमार अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। नीतीश कुमार से 12 साल के सोनू ने कहा कि वो भी IAS बनना चाहता है। स्कूल में मास्टर साहब देर से आते हैं और गप्पे मारकर जल्दी चले जाते हैं। टीचर को अंग्रेजी नहीं आती, पापा शराब पीते हैं। सोनू की इन बातों का वीडियो वायरल हुआ तो मदद के लिए कई हाथ आगे बढ़े। अब 5वीं क्लास में पढ़ने वाले इस बच्चे ने एक नया बयान दिया है। उसने कहा मीडिया वाले उसका इतना इंटरव्यू ले रहे हैं कि उसे सीएम नीतीश से मिलने पर पछतावा हो रहा है। उसने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की भी मांग की है। पिछले दिनों बिहार के नालंदा निवासी सोनू की सीएम नीतीश कुमार से चंद सेकंड हुई बातचीत ने खूब सुर्खियां बटोरी। नीतीश कुमार से सोनू ने जो कुछ कहा वो मीडिया पर छा गया और एक के बाद एक सोनू की मदद के लिए लोग आने लगे और सभी इस तेज तर्रार बच्चे की सहायता करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री के सामने पिता और अपने गुरु की पोल खोलने के बाद सोनू अब फोन और इंटरव्यू से परेशान हो चुका है। गुरुवार को जब मीडिया वाले सोनू का इंटरव्यू करने पहुंचे तो उसने कहा कि वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता, उसे जल्द से जल्द सिमुलतला या सैनिक स्कूल में एडमिशन चाहिए। सोनू इतने में नहीं रुका, उसने कहा कि वो इन सब घटनाक्रमों को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार से मिलने पर ही उसे पछतावा है। उसने कहा कि मुख्यमंत्री जी से मांग है कि मुझे सुरक्षा दीजिए। सोनू ने जिस समय ये बयान दिया उस समय करीब 20 से अधिक मीडिया कर्मी उसे घेरे हुए थे। आपको बता दें कि 5वीं कक्षा का छात्र सोनू हरनौत प्रखंड के नीमा कोल निवासी रणविजय यादव और लीला देवी का बेटा है। कल्याण बिगहा की रामलखन वाटिका में पत्नी पिता और मां की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देकर सीएम मध्य विद्यालय परिसर में स्थानीय लोगों की समस्याएं सुन रहे थे और इसी दौरान भीड़ से निकलकर सोनू कुमार ने झट से अपनी बात कह डाली। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री के आगमन की बात सुनकर सोनू अपने गांव से 2 किलोमीटर साइकिल चलाकर अकेले कल्याण बिगहा पहुँच गया। साफ गोई से कही गई इन बातों के बाद सोनू की राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, लालू के विधायक बेटे तेज प्रताप यादव और पूर्व सांसद पप्पू यादव समेत कई नेता और अभिनेताओं से बात हो चुकी है। तेज प्रताप यादव से सोनू की जो भी बातचीत हुई उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है और तेज प्रताप को सोनू ने कुछ ऐसे जवाब दिए जिसके बाद तेज प्रताप को फोन काटना ही ज्यादा बेहतर लगा। सही है, एडमिशन करवा देंगे तुम्हारा। क्या डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे, क्या बनना है? IAS बनना है सर। ठीक है, IAS बनना, मेरे अंडर में काम करना जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो। ठीक है, तब तक तुम्हारा एज भी हो जाएगा। वहीं बात करें बॉलीवुड की तो सोनू सूद जिस तरह सबकी सहायता करते हैं एक बार फिर से वो सोनू की मदद के लिए सामने आए। उन्होंने कहा कि सोनू का एडमिशन स्कूल में करा दिया गया है। इसके अलावा गौहर खान ने भी ट्विटर पर लोगों से सोनू के बारे में जानकारियां मांगी और कहा कि मैं इस लड़के की मदद करना चाहती हूँ। हालांकि इन सबके बीच सोनू अब ये चाहता है कि उसे अकेले छोड़ दिया जाए, बस उसे सैनिक स्कूल में दाखिला मिल जाए ताकि वो पढ़ लिख कर IAS बन सके। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।